जल्दी बोल। अबे यार एक तो ट्रिप ही मेरे को समझ नहीं आ रही, क्या चल रहा है ट्रिप के अंदर। अच्छा खासा रोड अभी चल रहा था, हम आराम से बैठे हुए थे और एक गाड़ी उतर गई उसके नीचे से। कहाँ से हुई? अब भाई इसमें सही में ये देखो, तुम सामने देख रहे हो, ये मेरा हाथ है और इसके बाद ये देखो कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा। आज जल्दी 8-7 बजे तक पहुंचना था, आज का फंक्शन 9 यही दिल्ली में बजा दिए, जाना यूपी में। एक तो यार गाइस हम पता भी एक रास्ता ना गलती से एक कट हम गलती से भूल गए, हाईवे वाले कट से हम निकल रहे थे तो एक कट ना हमने जल्दी से मतलब हाईवे पे चढ़ गए थे, फिर उसके बाद एक कोई फाटक वाटक हमने क्रॉस करा, उसके बाद भाई ये सारा जंगल ही आ रहा। जब से ये देख रहे हो बाहर कुछ नहीं है भाई, ये कुछ नहीं है, पता नहीं कहाँ फंस गए हम। तो दोस्तों बैग हो चुका है एकदम पैक, बैग में सारा सामान तुम्हारे भाई, कोट पैंट वोट पैंट सब रख लिया और अब बस हमारी कैब भी आ चुकी है और बस तुम्हारा भाई 2-4 चाय की चुस्की ले रहा है और माता का आशीर्वाद। जा भाई जा। वही शादी करने मतलब शादी दोस्त की शादी में जा रहे हैं, तो ये वाली अंगूठी देख के ये मैं सोच रहा कि मैं वही देखता हूँ, जो कुछ अगर कोई ठीक लगा तो मैं देख लूंगा वहीं पे। ठीक है ठीक है बता दूंगा आपको बता। और साथ में तुम्हारा जो अपने भाई भी आ रखे हैं राइडर ही कह दे, तो भाई को मैंने बुलाया हुआ क्योंकि वहां तक के लिए जाने के लिए भी तो भाई होना चाहिए ना कोई साथ में पायलट। तो भाई की ड्रेस एक नंबर, भाई डोले पे क्या छपवा रखा है इस वाले में, भारत का झंडा क्यों नहीं, यूएसए के हो क्या आप? तो बस गाइस चल रहे हैं हम, तो पहुंचते आगे, सारे दोस्त लोग वेट कर रहे हैं, फिर दिखाते हैं आपको आगे का व्लॉग। जब तक के लिए शेर शेर मेरे भाई कोई खतरनाक ही राइडिंग कर रहे हैं हमारे काठमांडू के गैंगस्टर। बचपन से सीखे ना आराम से, ओ फोन जाता नहीं, फोन ही लिया था। तो मेरे भाई कुछ कहिए, मेरे भाई के काट दूंगा, कटेगी मार दूंगा। तो भाई ये कटिंग मार के गिरा, अपने पहले व्लॉग में था ये, जो मैंने पहला व्लॉग बनाया था ना सबसे पहला, उसके अंदर देखना ये कैसा था, और अब देख लो मेरे भाई स्मार्ट होल्ड ही कहते भाई, बस स्माइल कर दे लड़कियों के लिए। हाय गर्ल्स मेरे भाई पट्टी गई हुई कोई, एक इसका भी रिश्ता देख क्या हुआ भाई बिजनौर में, अरे दोस्त की शादी क्या हो रही यार, कुछ एक्साइटमेंट वो वाली हो जाए ना अगर तेरे को ले चले तो। वहाँ लड़कियाँ पागल, ऑल गर्ल्स मैड ऑफ यू, मैड ऑफ यू। तो भाई यहाँ कोट पैंट पहनते बाप बेटे मेरे भाई गिरी गया मेरा भाई, कुछ जगह दो भाई को, जगह दो कहाँ से जाना है मेरे को लगा भाई अंदर अंदर ले लूं, अंदर से ले, मेरे को क्या पता था भाई ऐसा सीन है। तो दोस्तों इसके पापा नहीं थे वो, कोई अंकल इससे रास्ता पूछ रहे थे तो अंकल भी देख रहे, कह रहा क्या बोल रहा है, अंकल भी बोल रहा, कह रहा कुछ हुआ आ रहा, कह रहा फेल भाई अपने बंदे आ रहे, कैब वाले कहाँ, कैब वाला वो गाड़ी वाला आ रहा है, तो मालिक पहले आ गए, ओ मालिक पहले आ गए, ड्राइवर आया नहीं है, मेरा जाम चल रहा है। इसने भी स्माइल कर दी, मैंने भी एक और कर दिया लड़कियों के लिए, साली जो मोहित की सालियां देखेंगी, तो गर्ल्स फाइनल बॉय स्माइल कर दी है, कहां पे सागर बिजनौर में कर दे एक और स्माइल कर दे लड़कियों के लिए, सांस रुक जाएगी, यूपी में पड़ता है ना, समय कह रहा स्माइल कर दूंगा सांस रुक जाएगी लड़कियों की, जाने वन का वेट कर रहे हैं अभी हम, जब तक के लिए ये पढ़ लो समर्थ आईएएस संजय सर के मार्गदर्शन में, संजय सर भाई हर जगह मिलेंगे तुम्हें, दिल्ली पुलिस वाले संजय सर, राउंड 12 वाले संजय सर, कैसी आवाज निकाल। तो भाई एक अपने भाई मिले, डर करते हैं यहाँ पे, आ जाओ मेरे भाई, साथ में लेबर भी जा रही है लेबर ही है काला चकला भाई, एक्साइटमेंट लेवल मेरा बहुत हाई हो रखा है, मेरे दोस्त की शादी है, सबको मारूंगा जो फालतू बोलेगा वहाँ। चलो भाई कहाँ खड़ी है अपनी गाड़ी, देख रहे हैं ना बाहर, चला लेंगे चला गाइस, गाड़ी आ गई हमारी,
ये आ रहा है आ जा। हाँ वही है क्या ये मनीष भाई चलेगा फिर? चलो भाई चलो भाई बैठो बैठो। आप आगे बैठोगे क्या? हाँ आगे बैठूंगा भाई, आगे वाले में चांटी लगते हैं भाई। ठीक है भाई चलो कोई चलो बैठो भाई। वो तो बोल रहा भाई को शादी मुबारक, भाई को शादी मुबारक, और हम पहुंच रहे हैं एंजॉय करने के लिए। तो भाई हम पहुंच रहे हैं, ये आ चुकी है हमारी कैब। एक बार और कर दे भाई। तो भाई अब बैठ चुके हैं, गाड़ी चल चुकी है और गाड़ी में बुरबुर भी कर चुका भाई ने। भाई कर तो दे बुरबुर। हां वही बुरबुर। अरे बुर वो वाला बुर। हेलो 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 भाई, मोहित भाई आ रहे हैं भाभी को लेने। भाई भाभी को लेने आ रहे हैं। अबे इसको क्यों दिखा रहा है भाभी दिखा। देख ले यार प्लीज कर दे यार थोड़ा सा। मोहित भाई खाने में क्या, खाने का सिस्टम दिखाओ। भाभी को लेने आ रहे हैं, भाभी को लेने आ रहे हैं, भाभी को। भाई भाभी के नाम से इग्नोर मार रहा है। शादी है तो भाई तराले ही तराले। चौकीदार भाभी को लेने आ रहे हैं। भाई जिसका कोट पैंट नहीं आया आनंद विहार, आनंद विहार ले जा रही है भाई। सीधा घर ही चल रहे दूल्हे के, दही अब गा दे एक बार। गा तो दे, गा दे एक बार मोहित भाई के लिए, गा दे एक बार। वो मिलेगा अधूरा है। ये लाइटें गाइस गाइस इधर कुछ मॉडिफाई करवाया हुआ भाई। अभी जूतों में सारी हमारे महंगे वाले जूते लिए ना हमने, चमक चमकदार जूते हमारी। ये रहेगा एक अक्कल के साथ खड़ा हुआ मेरे का बाप बेटे। मनीष भाई हमारे, मनीष भाई ऑडियंस को हेलो बोल दो एक बार। हेलो गाइस, अब सही से बोलना है भाई। इधर गाइस, और ये हमारे भाई हैं। भाई हेलो कर दो एक बार। हेलो भाई, हेलो गाइस, थैंक यू। भाई भाई का अच्छा वो भाई हमें मिल गया लास्ट मोमेंट में, वरना मनीष का तो कोई अरेंजमेंट शुरू से कुछ रहता ही नहीं है। मेरे दिन रहता नहीं जा रहा है, पूरे दिन फोन स्विच ऑफ करके सोता रहेगा भाई। ये स्विच ऑफ करने की क्या आदत है, गंदी आदत। मेरा भाई कल रात को मैं क्या बोल रहा हूं भाई, मैं तो देख वीडियो कॉल पे क्या बोलता कि मेरे फोन में बैटरी नहीं है, फोन काट रहा हूं। देख भाई मैं अगर मैं स्विच ऑफ करूं तो लगता भी ठीक बात भाई। मैं वो कोई बड़ा बंदा, कोई रईस शक्ल से भी वैसे भी अच्छा भाई, और अगर आप ऐसे करोगे तो भाई अच्छा लगेगा। अच्छा भाई भाई के भाभी की शादी है, सब जा रहे हैं। इसका भाई, इसकी भाभी, इसकी शादी, ये हमारा भाई ऐसे हो गया ना, भाई के भाभी की शादी है। तो भाई ने आज में राइड वो राइडिंग ही दिखा दे, अपनी ड्राइविंग ही दिखा दे एक बार, कट कट मार। भाई को दिखा, बता दे रहे हैं आगे बलिनो जा रही है गाइस। तो आगे बलिनो जा रही है यूपी नंबर, और हम भी जा रहे हैं यूपी। आज का जो ब्लॉग बनेगा ना भाई, आज का भी ब्लॉग बाकी ऐसे ही फॉर्चूनर लेके जाएंगे हम कभी। भाई भाई ठेले वाले भाई को दिखाओ, ठेले वाले भाई। शादी के महोत्सव पे ऐसा बताऊंगी भाई, वहाँ जाके खाएंगे हम चिकन, ये तो खाता नहीं है। पीसी पीसी कह रहे हैं, तो मैं आधा घंटा और वहाँ जाके करेंगे डांस फुल रज के। और जो गांव में सो गए लोग, जो गांव में सो गए लोग उनके अंदर करेंगे। भाई आज मनीष भाई कर रहे हैं ब्लॉगिंग तगड़ी वाली, तगड़ी वाली। पता नहीं फ्रेमिंग कैसी आ रही होगी, थोड़ा सा और ऐसे कर फोन हल्का सा ऐसे, अब ठीक आ रही होगी। ये थोड़ा वाला तू दिख रहा होगा, सब दिख रहे हैं भाई। बाकी आगे दिखाते हैं हम क्या क्या करते हैं। चलो भाई, तो भाइयों या थारी भाभी भगवान एक में बोल लेना, भगवान भाइयों भगवान मूर्ति को क्या। तो भाई साहब या दूसरी मुछाड़ी भगवान, भगवान एक बार बोल लेना है। बोलना क्या है
भाई साहब यहाँ तो बोल रहे हैं भगवान तो लाट ले भाई इन्हू सपाटे मारे नु भगवान ना तो बुलाओ जाओ भगवान है तीसरी भगवान भगवान एक बार बोल लेना आई लव यू ये भी देखो सामने गाड़ी जा रही है भी मोहित लिखा हुआ कहीं हमारे उधर ही तो नहीं जा रही इसी में बैठ जाएगा पर उसकी बीवी का नाम कुछ और है ये तो अरे निकनेम रख दिया उसका ये तो पूजा है और भाई डेट क्या लिखी हुई 36 लिखी हुई है क्या कोई गाड़ी का नंबर मत लिखी हुई है डेट क्या 36 लिखी हुई है बैग की देखी हो 36 जन 36 तारीख है क्या लिखी हुई है 36 लिखी हुई है चलो स्टोरी होगी 36 तारीख आती है क्या महीने में तो गाइस देखो अपना सामान वामान कोई शादी वादी में अगर जा रहे हो तो लेके चलो ना ये क्या है कि भाई कोट यहाँ से लेंगे पैंट वहाँ से लेंगे अब ये भाई यार वर्साची वाले ऐसे ही करते हैं यार वर्साची वाले ऐसे ही कर रहे हैं अब आधे रास्ते एक तो वैसे ही लेट निकले पड़े हैं शादी में जाना था मैं 8 बजे पहुंचना था मतलब कल शादी है खैर हमें आज जल्दी 8-7 बजे तक पहुंचना था आज का फंक्शन नो यही दिल्ली में बजा दिए जाना यूपी में अब ये भाई किसी से कोट पैंट मंगवा रहे हैं कि भाई मेरा यार उसको दे रखा था पहनने के लिए भाई वो अभी कुछ दिन पहले उसके बुआ की शादी थी बुआ की शादी में गया वो भाई इतना महंगा कोट मैंने भाईचारे में दे दिया अब ड्रामे कर रहे हैं देने में ये बंदे मजाक लग रहा है कुछ महंगा महंगा नहीं है चोर बाजार से ब्लेजर खरीदा था चोर बाजार से ना वो इतना महंगा बना था ना जितने में जिसमें बैठे हो भी अब अब इसके लिए जाओ यहाँ पे अब कहीं नोएडा वोएडा में खड़े हो जाओ आगे आगे ना खड़े हो आगे कहीं भी रोक लेना मैं यही बुला लूँ पास पड़ेगा बहुत पास पड़ेगा कुछ पास नहीं है चल उतर के भाग गया मैं ठेका पता नहीं बस दुक्कड़ के पास रोक लो कम से कम फुटफुट तो हो जाए वहाँ पे यार चिप्स कुरकुरे खा लेंगे आंटी आपका लड़का बिगड़ रखा है तेरे चाट मारूंगा मैंने कहा सुट्टू सुट्टू बोल दी अबे मनीष पीता ना मैं तो भाई जूस पीऊं ओ भाई ओ भाई जाट भाई आ गए हमारे तो वो भाई साहब हैं बैग अरे यहां से ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पे थोड़ा एक टी ब्रेक के लिए आए हुए हैं है ना टी ब्रेक अपना यहां हो रहा है ठीक है पर रात में लेकिन अरे ले लेंगे भाई अभी तो उतरे हैं क्या हो गया लेके दिखा फिर भाई ये यार ये गाइस गुस्सा हो रहा है पता क्या दिखा रहा है टीवी ये यार आ गई सच्चाई सामने आ गई भाई ये ऐसी है अरे ऐसा है ना कि खड़ा हो गया यहाँ पे कुछ ले नहीं रहा है तो तू भी तो खड़ा है तू ले ले तू क्यों ले रहा तो भाई तो गुत्थम गुत्थी हो रही धुआं कहाँ से आ रहा है कोरा देखो कोहरा हो रहा है मेरा अब देखो ये दोस्त ऐसे ना लड़े ना इसीलिए अब मेरे को ही अपना चैनल मोनेटाइज करके पार्टी लेना पड़ेगा भाई गाली की देख ली भाई एक एक सच्चाई और आ गई सामने ये देखो कह रहा है लो बताओ तो गाइस अब ये ऐसे जब भी लड़ते हैं ना छोटे मोटे पैसों के लिए मेरे को बहुत दुख होता है तो मेरे को हाँ यार इसलिए पता है मोनेटाइज करवा दो फटाफट इसके इतने इतने वो व्यूज और क्या क्या कौन सी टाइम होती है जो भी होता है इतने दो भर भर के रेंट पे गाड़ी लेने की जरूरत ना पड़े भाई की अपनी गाड़ी हो फुल कोई वो बड़क ना हो कोई मर्सिडीज नहीं खड़ी रेंट पे बुलाए ये वाली क्या दिखाई गाइस अब बस जल्दी से मैं अब बहुत सारा पैसा कमा के नई गाड़ी लेने वाला हूँ बहुत जल्दी बहुत छेती बहुत छेती इसी महीने में कर लेंगे तो मिड में इस बार जो ली दे रहे शायद 29 को निकलवाते जो 4 साल में लगेगा कि भैया 4-29 में निकलवा लेते कौन सी अपनी ब्लैक स्कॉर्पियो जो देख के आए थे वही वाली उसका वो बोल तो है वो बंदा करवा दे अगर जल्दी तो ठीक है तो भाई साहब हिसाब करवा लो 29 फैब को बुकिंग है अब स्कॉर्पियो ब्लैक एन लेनी है वो है क्लासिक 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 स्कॉर्पियो ब्लैक ब्लैक लेनी ना ब्लैक 4x4 और कुछ बहुत बढ़िया और बस अभी डन है भाई है ना हिसाब किताब डन है अपना चलो महंगा कोट कह रहे भाई महंगा कोट कह रहे थे क्या कह रहे थे कोट तो दिखा दे कपड़ा आया सिलवाऊंगा ना मुझे कोट अबे कोट आया कच्चा आया महंगा कोट है भाई वर्साची ये बार दिखा दे वर्साची है ले आ ले आ ले आ मैं भाई बंदे को परेशान कर दिया तेरे ठंडे में तू दिखाइए एक बार कोट दिखा दे एक बार भाई ये मजाक लग रहा है ये कोट कह रहे तू ज्यादा कहीं बता दे मुझे दिखा दिखा जल्दी दिखा जाना तो ये कोट कोट है क्या वो पैंट नहीं मंगवाई अब वो है मेरे पास पैंट तो वो स्कूल वाले चल जाएगी ना पैंट तो वो है पैंट तो कैटरिंग के काम में जाता वाले चल चल रहे दे उतार देख लिए भाइयों बरसाचे का ही है बरसाचे मान लेते हैं वो चल रहे भाई अब लेट हो रहे गाइस बहुत देर वैसे हो चुके हैं फालतू के ड्रामे करते हुए
बरसात से ही कहते हैं। क्या कहना चाहोगे भाई दोस्तों? बहुत तगड़ा कोहरा हो रहा है। एक तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि दो चार किलोमीटर पहले तो सारा साफ था, अचानक से इधर दिखा व्हाइट हो रहा था भाई। पूरा मेला भी लगा हुआ भाई, मेला लगा हुआ भाई, मेला लगा हुआ है। कोहरा इतना तगड़ा हो रहा है ना, मैं तुम्हें क्या ही दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा। दिखा दे बाद में दिखाऊंगा। पर यार रात का जो मजा है ना निकलने का, वो अलग ही है, नेक्स्ट लेवल है भाई। ये तो है भाई, तुम भी निकला करो अपने दोस्तों के साथ, अकेले नहीं भाई, बंदे उन्दे लेके मत जाया करो भाई, लोगों के साथ निकला करो, मजा आएगा। वो उस्ताद बेटा सही जा रहा है, घर घर बात कर ऑडियंस से, ऑडियंस से बाकी बताना भाई कैसे लगते हैं हमारे व्लॉग, सागर बदमाश के व्लॉग हर हम आते तो कैसा लगता है बताना। कोई नहीं भाई, मत बोल, मीम लगा देंगे, बोला ज्यादा फ्रैंक हो रहा है। बाकी भाई भाइयों को सलाह दो, भाइयों को सलाह क्या, किस बात की सलाह दूं? भाइयों को कुछ लाइफस्टाइल के वो देना कि भाई ऐसे अब तो तू बड़ा हो गया जैसे भाई, तुम कोरे देख, पहले कोरा देखो भाई कैसा आ रहा है अपने पास आ रहा भाई। बाकी मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि यार भाई निकल रहो दोस्तों उसके अगर मजे लो भाई जिंदगी के। ले बरीज भाई भाई कोरा देखो, अब देखो भाई कोरा भाई, बहुत गंदा कोहरा है भाई कसम से, नेक्स्ट लेवल ठंडा। बाकी तो क्या ही बोलूं सागर, बता बंदों को ये बताना जैसे स्कूल पास होने के बाद में कैसा फील होता है। भाई स्कूल पास होने के बाद ऐसा फील होता है कि काश दोबारा स्कूल में होते, यार तो मजा ही आया था यार। पढ़ाई पूरी नहीं हुई ना मेरी, पढ़ाई पूरी नहीं हुई हाँ भाई, इतने टाइम से हम साथ, लेकिन हम ऐसा लगता होगा आज हम फर्स्ट टाइम भाई, पहली बार हम क्या कहते हैं सारे साथ में ट्रैवल कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा सही बात है यार। हम इतना टाइम से साथ में कभी दो, ये हम दो कर ले, कभी वो बैठा है सुमित, देख लास्ट में वो कर ले, मैं और कर ले, ये साथ में नहीं हो पाता कभी ट्रैवल, आज हो रहा है बढ़िया ट्रैवल और मजा आ रहा है इस चीज का भाई कसम से, एक नंबर मजा आ रहा है, मजा आ रहा भाई। बाकी तुम आगे हरकतें दिखाएंगे, आगे क्या क्या करते हैं। तो भाई ये अपने मनीष भाई है, तो ये मनीष भाई किसी टाइम पे इतने तगड़े बदमाश थे ना स्कूल में। मनीष भाई इधर बता दो, एक बार वो जो बंदा उछाला था तुमने वाली बात बता दो। एक बंदा उछाल दिया था, उछाल ही दिया था भाई को, बलगलैरिटी हो गई मेरे भाई कोई। ये वैसे नाइन्थ में बाल सुधार गृह में भी गया हुआ है। हां भाई बाल सुधर गए मेरे, बिगड़ गए बिगड़ गए। इतनी तगड़ी बदमाशी, मतलब स्कूल टाइम पे नाइन्थ क्लास में भाई, तोड़ था इसका कोई, इसका कोई तोड़ नहीं था भाई, मतलब ही नहीं भाई, सीधा ही पेंसिल गले में। पर अब ये पता नहीं कैसे सुधर गया है, शायद इसको ये अब जिम्मेदारियों से वाकिफ हो चुका है। जिम्मेदार आ गया सर पे यार, सारा लोड सर पे, जिम्मेदारी सारा लोड सर पे आ गया, सारे तसले इसके टांट पे हैं। दो तीन बिजनेस है यार अपने, वो संभालने पड़ते हैं। दो तीन बिजनेस है यार गाइस, सुबह के टाइम पे एक कुत्ता पाल रखा, वो घुमाने ले जाओ तो पालतू है, घुमाना पड़ता है ना। लेकिन भाई मनीष भाई दिल के राजा भाई, दिल के राजा। आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि अब लाइट तो ऑन रहने दो यार मनीष भाई, मतलब यार जब तुम व्लॉग बना रहे हो तब लाइट ऑन कर रहे हो यार, ये तो तेज चल रहे हो क्या? मैं ही एडिट करूंगा सब काट, भाई कितना कोहरा हो रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा यहाँ का क्या सीन है। और अभी यार मेरा यहाँ पे क्या नाम है वो, तो क्या बोलते हैं फास्टैग का कुछ खत्म हो रखा है, और नई गाड़ी ले रखी है तो अब उसका फास्टैग का टैग वैग भी लगवाना पड़ेगा, अब उसके लिए भी बंदे को बुलाने गए ही है, अब वो चेक करवाते हैं। एक तो लेट हो रहे हैं, रात हो गई, और ऊपर से अब ये सब, और चलो कोई नहीं, खैर ये सब तो चलता रहता, अब जल्दी से वो लग जाए फास्टैग तो पहुँचते भाई। मोहित भाई के वैसे ही आधा रास्ता भी गया, कुछ भी पार नहीं हो, खैर अभी तो। हाँ भाई सागर अब बता दे कितना टाइम लगेगा मौत की शादी में जाने में, वैगनारी कहते हैं। अबे टाइम बता कितना लगेगा। तो गाइस अभी इसके बाद भी ये टोल है ना, इसके बाद भी कम से कम चार टोल हो रहे हैं, चार टोल हो रहे हैं, और चार टोल का हिसाब किताब सेट। अपनी बातचीत में एक बार नाम ही ले दो, जय श्री राम, जय श्री राम। और भाई यूपी, जय श्री राम भाई, यूपी में भाई एंटर हो गए भाई, यूपी में एंटर होते बंदों की ना
भाई इतना गंदा कोहरा हो रहा है ना भाई, इतना गंदा कोहरा हो रहा है तो मैं क्या ही बताऊं लिटरली। क्या कह रहा है टोपा? क्या कह रहा है? अरे टोपा कह रहा था, टोपा इसका पीछे गिर गया ना। अच्छा तो भाई तुम क्या कहना चाहोगे, हमें बहुत टाइम नहीं हो गया लग गया जाने में? यार बहुत टाइम लग गया, वो तो पहले तो जाम वाम था। और ये इस बंदे का वर्ष आ जाएगा कोटी कोट लेने था ना, कोटी वो जो भैंस क्या चोर बेचारा मिल जाता 100 रुपए। वो कोर्ट के चक्कर में यार थोड़ा हम लेट हो गए, बट कोई बात नहीं पहुंच तो जाएंगे। नशे में तो कोई करता नहीं अपने में से। अरे हम सोबर बैठे हैं, कोई सोबर है यार। हम दिखा रहे थे एक्टिंग इतनी अच्छी है हमारी, हम दिखा रहे थे करेक्टर में फेंक दी थी वो कांच की वाली थम्स अप वाली बोतल तो फेंक दी थी मैंने। अरे कट कर दियो, कट कर दियो। ओ थोड़ा भाई क्लियर हुआ, थोड़ा क्लियर हुआ भाई। लिटरली भाई तुम ट्रैवल करो ना भाई, तो भाई एकदम देख के ट्रैवल करना यार, हाईवे वगैरह पर नसीब। यार तुम यार तुम बकवास कर रहे हो यार, अबे व्लॉग बन रहा है यार, कैसी बात कर रहे हो यार तुम यार। तोड़ा है ये व्लॉग, तोड़ा है मोड़ा तो नहीं है, किसी का तो है, हम कर रहे हैं। मोड़ा तो नहीं है भाई, माड़ा तो नहीं है, किसी का तो है। पंजाबी कहते हैं मनीष तोड़ा जी, आज तोड़ा है, तोड़ा है, तोड़ा ये बैग तोड़ा है। भाई तुम्हें एक कहानी बता दो बढ़िया वाली। भाई एक आंटी थी, वो बोल रही थी कि क्या कहते हैं, मतलब हम कहीं गए हुए थे शूट वगैरह पे, तो भाई हमारा बैग रखा हुआ था वहाँ पे, शीशा बंद है, शीशा बंद है। तो भाई एक आंटी एक आंटी के पास एंगल ठीक आ रहा होगा ना, एंगल सारे नहीं आ रहे, ऐसे करा ठीक है, फोन ऐसे करो घुमा। तो भाई एक आंटी थी, हमारा अपना बैग बैग रखा हुआ था कैमरे वगैरह का, तो भाई एक आंटी आई बोलती है ये बैग तोड़ा है। हमने कहा हाँ जी आंटी हमारा है, ठीक है भाई रख दिया बैग। हम भाई 2 मिनट के लिए बैठे, वो आंटी फिर दोबारा आती है, वो आंटी बोलती है ये बैग तोड़ा है। और भाई लिटरली हमारा बैग चेक कर रही है फुल, हम हाँ आंटी हमारा बैग है, क्या चेक कर रहे हो आप? अरे ठीक है ठीक है ठीक है। फिर तीसरी बार दोबारा आती है, बोलती है ये बैग तोड़ा है। निकलो वरना सामान वामान की कहीं ऐसी तैसी हो जाए हमारी। बाकी तुम्हें फोन दिखा दे सागर, तेरे यार बैटरी वो हो रही है कम, अब हो रहा भाई लिटरली हो रहा। आंटी बोलो सब है, मैं हूँ सुमित है, सागर है, मनीष, हम चारों ही। तो भाई यहाँ सीएनजी डलवा रहे अपनी गाड़ी में, फटाफट ये मैं हूँ, मेरी गाड़ी है, हम सीएनजी डलवा रहे हैं गाड़ी में, सीएनजी डलवा रहे हैं भाई। रात हो गई जाते जाते दोस्त की शादी में भाई, रात के बहुत सारे बच चुके हैं, और अभी भाई बहुत सारे बच चुके हैं रात के। तो यही है यार, मेरे को नहीं लगता कि एक घंटे में तो खैर पहुंच ही जाएंगे। अभी दिखा रहा है फिर भी 2 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। कहाँ कर ले लिया तूने, कोहरा हो रहा है भाई, कोहरा हो रहा है बहुत ज्यादा। सही में भाई बहुत दूर रहता है तो बहुत दूर कोहरा इतना हो रहा है कि यार क्या ही बोलूं मैं, क्या ही बताएं। बाकी सीन डलवाते फिर निकलते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और क्या अपना कोई बाकी तो अपनी तो कोई दिक्कत नहीं आए। छतरी अब ऐसी ही बना दे, ओ मित्र आते छतरी यो पै गई वैसे नहीं वाला, ओ मित्र आते छतरी दो पै गई। तो गाइस अभी हम यहाँ यार आए हुए हैं, कितने दूर रह गए यहाँ से एग्जैक्ट 1 घंटे का रास्ता है। तो गाइस अभी हम यहाँ से एग्जैक्ट 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा, अब देखते हैं यहाँ पर कुछ खाने पीने का कुछ मिल जाए तो। पूछ भाई से क्या क्या है, मैगी दिख रही है मेरे को, क्या क्या भैया खाने में? भाई मैगी मिलेगी और प्रोटीन मिलेगी। नॉन वेज का है कुछ आइटम? नॉन वेज का आइटम है कुछ नहीं ना। मैगी कितने की है? मैगी 70 रुपए। मैगी 70 की है। ओए मैगी खाओगे? मैगी खाएगा? मैगी सर यहाँ पे एक तो मैगी है और रोटी है इस टाइम पे, तो खैर रात के 11:30 के आसपास ही हो रहा है, और क्या ही मिलेगा। मैगी खाओगे? मैगी 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 है,
अबे भाई को भूख लग रही है। सुन चिप्स वगैरह ले ले यार, फिर अब पहुंचने वाले तो कित मैं की कितनी खा लेगा, भूख थोड़ी मिट जाएगी। वो तो है। तो कुछ कुछ वैसे वेफर्स वगैरह ले लेते हैं, बाकी वहीं चल गए। मैगी यार कितनी खा लेगा, पेट नहीं भरेगा। तो यार मैगी है बस यहाँ पे, कुछ वैसा नहीं है, कुछ सब्जी रोटी वगैरह। तो वहीं खाएंगे यार, अभी कुछ चिप्स वगैरह ले लेते हैं। एक तो यार गाइस हम पता भी एक रास्ता ना गलती से, एक कट हम गलती से भूल गए। हाईवे वाले कट से हम निकल रहे थे, तो एक कट ना हमने जल्दी से मतलब हाईवे पे चढ़ गए थे। फिर उसके बाद एक कोई फाटक वाटक हमने क्रॉस करा, उसके बाद भाई ये सारा जंगल ही आ रहा। जब से ये देख रहे हो बाहर कुछ नहीं है भाई, ये कुछ नहीं है, पता नहीं कहाँ फंस गए हम। क्या हुआ सीन है क्या कुछ है? तो आगे कुछ नहीं दिख रहा, हम घूमे जा रहे हैं बस। यहाँ हमें बस ये मैप दिख रहा है कि भाई ऐसे इधर उधर चल रहा है, ऐसे ही सीन चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ क्या है। कभी ये राइट कट आ रहा, कभी कुछ, और ऊपर से गाड़ी चल रही है 20-25 की स्पीड में, और उसमें भी ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ छोटा कट ऐसा आ रहा, कुछ ऐसा आ रहा। बिल्कुल एक गाड़ी निकलने की जगह और कुछ नहीं है। बस अब मेरे को बस ये लग रहा है कि बस किसी तरह अपने दूल्हे के पास पहुंच जाए। वो दूल्हे के पास जाके बोल दे कि भाई कहाँ घर ले रखा है। हल्ला कर रहा भाई, भाई चुप नहीं हो सकता 2 मिनट। आज की आवाज गाड़ी आ रही है, एयरपोर्ट में चढ़ जाएगी। एक मिनट सागर गाड़ी आ रही है। लुटेरे आ गए। आज की ना जिस दिन दो रैपट लग गए बंदी के बाप के, सारी घुस जाएगी। से सॉरी राइट बोल रहे हैं। नहीं चल, मैं बता दूं राइट है। ऐसे दोस्तों धमका के रखना पड़ता सबको। कुछ कहना चाहेगा भाई? आशिकों के लिए तो एक चीज बोलूंगा भाई। हाँ बताओ ना। ए बंदी बंदी काम नहीं आएगी, अपना काम करो, पैसा कमाओ, नथे कमाओ। तकड़ी खेलो, कुछ बंदी बंदी काम नहीं आएगी भाई। अब राइट आएगा, आप देख लेना। मनीष भाई ने बता दिया भाई, बंदी बंदी काम नहीं आएगी, पैसे कमाओ बस पैसा ही काम आता है हर चीज में। भाई हम उल्टा नहीं जा रहे हैं यार, हम वहाँ से यूं घूम के भाई अब तो जैसा मैप भाई जो मैप दिखा रहा वही चल रहा है। ये पता है छोटे छोटे कटे इसलिए पता नहीं चल रहा हमें। अब यार एक तो ट्रिप ही मेरे को समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है ट्रिप के अंदर। अच्छा खासा रोड अभी चल रहा था, हम आराम से बैठे हुए थे और एक गाड़ी उतर गई उसके नीचे से। कहाँ से हुई? अब भाई इसमें सही में ये देखो, तुम सामने देख रहे हो, ये मेरा हाथ है, और इसके बाद ये देखो कुछ नहीं दिख रहा यहाँ, कुछ भी नहीं दिख रहा। ये देखो ऊपर नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा, और ये हमारी गाड़ी उतर गई एकदम से रोड के नीचे, और खर देसी पता नहीं कुछ दिखाई नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एकदम से खर देसी आवाज आई अच्छी खासी गाड़ी में नीचे। और हमें ट्रक भाई, अब भाई जल्दी से बस पहुंच जाए शादी में। अरे पहुंच जाए। इधर नई गाड़ी एकदम से उतर गई पूरी नीचे। भाई ये ट्रिप कुछ ज्यादा ही मेमोरेबल बनती जा रही है। तुम्हारा भाई तो आराम से अंदर बैठा हुआ था, ये जैकेट वैकेट भी उतार रखी थी, चिल मोड में अचानक से खर देसी आवाज पता नहीं नीचे उतर गई उसके। भाई बहुत तगड़ा, मैं अभी एकदम पानी उठा रहा था ना जैसे एकदम ही, और मैंने देखा एकदम ही पता नहीं कहां गाड़ी उतर गई। मैं बोल रहा तो ये भी तो देख ले यहां, ये देखना देख कुछ दिख रहा सामने, देख एक बार ये हाथ है अब, ये देख कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी ये देख कुछ भी नहीं दिख रहा भाई। भाई अपने अंदर बैठ दो आराम से सब। ओए आ गए ओए शीशा नीचे कर लिए गांव वालों को जगाओ। तो दोस्तों अगर आपने ब्लॉग को यहाँ तक देखा ना तो यार आपका दिल से बहुत 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 धन्यवाद। और ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया लेकिन इसका मेन रीज़न ये था कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि जब चार दोस्त अपने एक दोस्त की शादी में जाते हैं तो रास्ते में क्या क्या चीज़ें करते हैं, हंसी मजाक जो भी चीज़ें थी सब मैंने ब्लॉग के अंदर डाली है ताकि आप लोग भी रिलेट कर सको और हमें भी अच्छा लगे, इन फ्यूचर देखें जब हम तो अच्छा लगे। तो अभी हम पहुंचे थे रात में 4:30 बजे दोस्त के घर पे, तो उसके बाद जो हमने भाई क्रेजी चीजें करी है ना वहां पे रात में पूरा गांव सो रखा था और हम अलग ही अपने मजे ले रहे हैं, तो वो वाला ब्लॉग आएगा इस ब्लॉग के बाद में। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना यार, और अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने एक ऐसे दोस्त के साथ वीडियो जरूर शेयर करना जिसकी शादी होने वाली है। तो फिर चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए धन्यवाद।